हेलो दोस्तों, अभी आ गए हैं घर पे। अभी फटाफट से इनको बांध देते हैं। अभी दो दिन में रहने वाला हूँ यहाँ पे। अभी इसमें भी अपनी दो तीन गाय जो है कि बच्चा देने वाली है। ओ पूरी निकाल दो। अबे जो मारा तो मरी गया जो हट। तो फिलहाल जो है कि दोस्तों, सुरेश भाई जो है कि अभी चला गया है घर पे। और अभी जो है कि भाई मैं दो दिन रहने वाला हूँ यहाँ पे। बहुत सारे दोस्तों के ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि जगदीश भाई आप वहाँ पे जाओ। तो लो मैं आ गया यहाँ पे। तो अभी दो दिन में रहने वाला हूँ यहाँ पे। अभी इसमें भी अपनी दो तीन गाय जो है कि बच्चा देने वाली है। तो अभी सुरेश भाई को मैंने बोला कि भाई वो गाय जो है कि वहाँ पे पहुँच कर दे। अभी सुरेश भाई बोले देखते हैं। घर पे जाने का टाइम हो गया है क्योंकि इनको पानी भी पिलाना है। हेलो वैसे आवाज देंगे तो आ जाएंगे भाई, भले ही एक महीना हुआ है। फिलहाल जो है कि दोस्तों, सुरेश भाई जो है कि निकल गया है और गाय लेके मैं जा रहा हूँ घर पे। अभी जो है कि पहले इनको पानी पिलाना है, फिर इनको बांधेंगे, फिर इसमें से एक दो गाय की मिल्किंग करनी है। चलो आ जाओ। और गाय देख सकते हो आप, इतनी गाय है। चलो सुरेश भाई, एक तारीख को आया था यहाँ पे, एक महीना हो गया, पकड़ एक महीना पकड़ के चलो। तो सुरेश भाई को बोला कि एक राउंड तुम्हार क्या, दो दिन में संभालता हूँ। वो बोले ठीक है। फिर मैं यहाँ रुक गया। फिर अभी जो है दोस्तों, इनको पिलाना है पानी। पानी पिला के इनको बांध देना है। फिलहाल जो है कि बारिश का मौसम एकदम जबरदस्त वाला हो रखा है, लेकिन यहाँ पे इतना कीचड़ नहीं होता जितना हमारे यहाँ पे होता है। यहाँ पे गाय को चारा भी भरपेट मिल जाता है। ये देखिए, चारा भी भरपेट मिल जाता है और कीचड़ भी कम है। तो टेंशन, अभी देखो पेट भर गया है तो गाय बिल्कुल दिक्कत नहीं दे रही है। रास्ते से जा रही है, देखिए और सवार ही आराम से मजा आ रही हो भाई। चलो ए लड़ाई मत करो, धीमे धीमे चलो, चलते रहो। पानी पिलाना है। रेगड़ रेगड़ को एक आँख में से आंसू पता नहीं क्यों आ रहे। यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत मक्खियाँ है। गाय जो है कि बहुत पूंछ हिला रही है। घणु पानी है। फिलहाल जो है कि दोस्तों, पानी वगैरह पिला दिया है। अभी इधर थोड़ा बहुत टाइम पास करवाएंगे, फिर जो है कि इनको बांध देंगे। फोन में चार्जिंग भी हो गया है। खत्म। वैसा पेट भर गया है गाय का। पानी है लेकिन वो अंदर है, कुआं है लेकिन वो दूर है। यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भरा था तो पिला दिया, और थोड़ा बहुत है उधर पी के फिर बांध देंगे। उसके पैर में जो है कि दोरी अटक गई दोस्तों। पैर में दोरी अटक गई, दोरी निकाल देने तो दोनों कौवे मिलके बहुत पीटेंगे अपने दोनों को। दोरी निकाल दे दोरी। अरे कुछ नहीं कर रहे, रुक जा। अभी देखो सिर्फ दो कौवे थे और देखो कितने आ गए, एक दो तीन चार आ गए। डोरी अटक गई उस पर, डोरी निकाल रहा है। निकाल दे दूसरे कौवे, नहीं मारने दूंगा तेरे को। तेरे को कितने आ गए अब, बच्चा है। निकल गई, नहीं निकल रहा तो भागने तो अब कौवा मारे। निकल गई, पूरी निकाल दी। अबे जो मारा तो मरी गया जो हट हट। अरे तुम्हारी मदद कर रहे हैं यार, तुम जो है कि परेशान कर रहे हो यार। निकल गए, निकल गए। ये भी बच्चे ही है दोस्तों। दोस्तों अभी आ गए हैं घर पे, अभी फटाफट से इनको बांध देते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिलहाल जो है कि सुरेश भाई वापिस आ गया है और सुरेश भाई जो है कर रहा है इस वाली गाय की मिल्किंग। रात को भाग के आया, बोले बहुत वहाँ पे कीचड़ हुआ तो रात को भाग के आ गया। मेरे को जो है कि दोस्तों अभी फटाफट से निकलना है। बाकी जो है कि गाय सब बैठी है,
यहाँ पे ठंडी बहुत लगती है, हवाएं बहुत चलती है दोस्तों। ये दो गाय बच्चा देने वाली है अपनी दोस्तों, लेकिन पता नहीं कौन सी देने वाली है। एक ये दोनों बच्चा देने वाली है, लेकिन सुरेश भाई को मैंने अभी बोला कि भाई अभी रहने दे। अपन क्या करते हैं कि बच्चा यहीं पे दे देने दे, दूध यहीं पे, तू मिल्क दूध जो है यहीं पे सेल कर देना, फिर जब यहाँ से फिर बाद में एक साथ लेके जाएंगे, लेकिन उस कीचड़ में नहीं लेके जाएंगे, बहुत हालत होती है। फिलहाल यहाँ पे ठंडी बहुत बज रही है दोस्तों, हवा इतनी ठंडी ठंडी आ रही है कि क्या बताए दोस्तों। चलो अभी फटाफट से चाय पानी करते हैं। ये रही अपनी मोर 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 आधे यार मोर मोर, हाँ ऐसा कुछ समझदार बंदी है। वहाँ पे है अपनी लाडो, तो कहाँ बोल रहा है। फिलहाल जो है कि दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं घर पे, और आज मैं पूरे दिन वहीं पे रुकने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि सुरेश भाई और वो चाचा दोनों इधर आए। इधर आने के बाद फिर से वहाँ पे कॉल आया कि मेहमान आने वाले हैं, फिर रात को वापस आ गए होने, तो फिर वो अभी अभी दोपहर को आने वाले थे, तो फिर मैं वो रात को निकल के आए, फिर सुबह जो है कि मैं निकल गया, क्योंकि यहाँ भी देखो कल गाय जो है कि यहाँ पे बांध के रखा था, फिर बूंद बूंद बारिश हो गया। दो दिन बारिश कम था तो यहाँ पे पूरा सूख गया था, लेकिन रात में थोड़ा और बारिश आया तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा भिगा दिया, तो आज फिर से कीचड़ कर दिया है, तो आज फिर से जो है वहीं पर बांधना पड़ेगा। और अभी लालू का कुछ पता नहीं चला दोस्तों, बहुत ढूंढा मैंने वहाँ पर भी, आते टाइम भी मैं देखते आया, लेकिन लालू कहीं मिला नहीं दोस्तों हमें, बहुत बुरा लगा, लेकिन अभी क्या करें दोस्तों। और ये भाई साहब जो है कि घोड़े बेच के सो रहा है, क्योंकि उसको यहाँ मम्मी के साथ उसको उधर लेके गए थे, तो सुरेश भाई के साथ ये जो है कि फिर रात को आ गया इधर। क्या पकड़ के लेके आया फिर शहरी पे तू? ये किसका बच्चा है? अरे हम भी इसको कौवे को उधर पकड़ा था हमने, ये खा रहा नहीं अभी कौवे के बच्चे कैसे थे? ए हरि भाई काटा मेरे को खा। अबे रोटी खा। अबे ऐसी रोटी नहीं खाता हरी भाई, डर गया है, अरे काटता है, रोटी नहीं खा रहा हूँ। उसकी एक टांग टूट गई। बता कौन सी टांग टूट गई? कौन सी टांग टूटी? अरे हरी भाई टांग बिंग नहीं टूटी उसका, बच्चा आयो अरे बच्चा आयो, इनका दिमाग नहीं चल रहा, मेरे को पता है बच्चा आयो किसको भी। हरी भाई अरे बच्चा आयो, अरे मुंह दिख रहा है उसका, बच्चा है वो, 100% बच्चा है वो, बच्चा है ना, बताओ बच्चा है, बच्चा है बच्चा। मैं ये बोल रहा है लेकिन सुन नहीं रही हूँ, खा नहीं रहा हूँ अभी से अभी। हाँ वहाँ पे छोड़ दे, नीचे छोड़ दे, वहाँ पे रख दे। अपा जो है कि गाय जो है उसे लेके जा रहे हैं, फिलहाल जो है कि गाय लेके हरि भाई और महेश भाई जो है कि चले गए हैं, और अभी जो है कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनको चारा वगैरह करना है, और अभी ये वाली अपनी जो जर्सी है उसको वहाँ पे जाके बांध देते हैं। आजा आजा इधर को, क्या बांधू ट्रैक्टर ना चल दा महीने भाई, आजा चुप बैठ हट। जर्सी को जो है कि दोस्तों वहाँ पे बांध दिया है, इसको यहाँ पे बांध दिया है। फिलहाल जो है कि दोस्तों इसको भी कुट्टी करके घास डाल दिया है, और उसको भी घास डाल दिया है, लेकिन वो देखो कहाँ पे जाके क्या खा रहे हैं। और फटाफट से जो है कि छोटे बच्चे जो है उनको कुट्टी कर डालते हैं घास की। हटे बोलो, क्या बोल रहे हैं यार तू? बारिश नहीं था तो इसके अंदर बंद कर दिया है, और वो घास जो है उसका कटिंग करके इसके अंदर डाल दिया है देखो। तो अभी थोड़ी देर बाद जो है कि वो बच्चों को इसके अंदर छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम जो है इसका कोई दोस्त, तो एक प्यारा सा नाम दे दो मुझे मस्त वाला। हेलो अंधी, हेलो 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 गोलू, अब आवाज सुनेंगे फिर इधर देखेंगे, देखो बिल्कुल अंधी है दोस्तों।
चलो गाय जो है कि वो साइड गए हैं, तो बाहुल जो है कि उसको बांध के रखा है, तो वो भेज देते हैं गाय के साथ उसको वापिस। बाहुल को जो है कि दोस्तों यहाँ पे बांध के रखा है, और गाय देखो सामने आ रही, गाय आज गई थी ये साइड, तो गाय जो है कि अभी वापिस आ रही है। बाहुल को जो है कि यहाँ पे बांध के रखा था, घास डाल दिया, घास फिनिश कर गए और उसको भी घास डाला। अभी बाहुल जो है उसको साथ में छोड़ देंगे उधर, ताकि वो तारगंपन में उसको बंद कर दे, क्योंकि वो गाय के साथ जाती नहीं, आधे तक जाती है फिर भाग के आती है, फिर ऐसे फसलों में घुस जाती है। ये भी खत्म हो गया, अभी सिर्फ दो दिन चलेगा, दो दिन बाद ये भी गन्ना लाना पड़ेगा, कल परसों तरसों तीन दिन बाद जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे। अभी चलते गाय जो है कि ऐसे रास्ते पर चलते जाते हैं, कब मजा आता है, तो अभी मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये गले में क्या पहना है, ये फोन का, ये क्या है, बारिश आती है ना, इसमें फोन डाल देने का। क्या यार, तो वाटर प्रूफ फोन ले लेना यार। लेने का है दिवाली के बाद। दिवाली के बाद कौन सा ले रहा दोस्तों, कमेंट कर दो मैं कौन सा फोन लू। तू EMI का ले ली कौन सा, मैं इसमें सैमसंग बोल रहा है। इसका ड्रीम आप देखना, कौन सा है चाहिए, आईफोन। देखा, ऑलरेडी घर में 3 iPhone है, सुरेश भाई के पास, माला भाई के पास और मेरे पास, 2 11 और 1 14 Pro Max। ठीक है, देखते हैं अभी दीपावली के बाद लाके देंगे, अभी फिलहाल देखो बारिश नहीं होता है, तो दोस्तों गाय जो है कि एकदम मस्त वाली चरती है, अभी देखो कैसे चरती है, एकदम जबरदस्त। चलो आगे, अभी चल हंटू, बाहुल छोड़ देना यार, बस ना यार, तुम्हारा काम ही ऐसा है बाहुल। अरे यार आप गुपचुप गाय के साथ चले जाओ, क्यों परेशान करते हो यार मेरे को। लग, 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 लेके जाए हरी भाई इसको, और बंद कर दे। आपा गांव में क्या गए, क्यों गए थे पता नहीं। ए चल भाई, चल चल आगे, चल चलो महेश भाई, अरे भाग लो ना, ले तो बाहर पास भी जाओ। थोड़ा बारिश होता है तो ये रास्ते पर भाई इतना कीचड़ हो जाता है, और गाड़ी है इतना स्लिप मार दी है, अभी देखो पूरा सूख गया। लग, गाड़ी छोड़, अरे गाड़ी पड़ से इतनी पिटाई कर, गुस्सा आ गया उसको, मैंने उसको मना किया ना, तो इसकी वजह से गुस्सा आ गया उसको। क्या मैडम ने क्या सिखाया, क्या सिखाया, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या सिखाया, 3 4 ठीक है चल, एक से गिनती कर 10 तक, गिन, 1 से 10 हो गए। मुझे नहीं आता। तो स्कूल में क्यों जाती है, स्कूल में खिचड़ी खाने जाती है दोस्तों, खिचड़ी खाने। चलो दोस्तों, ये अचानक से क्या हो गया, इतना जबरा बारिश, बारिश जो है कि इतना स्पीड से आ रहा है भाई, और पहली बार इतना जबरदस्त बारिश आ रहा है भाई। छोटे छोटे बच्चे जो है कि सब उसमें है, अभी बारिश रुकते ही मेरे को जो है कि इसके अंदर ले लेने पड़ेंगे, क्योंकि अचानक से जोरदार बारिश स्टार्ट हो गया दोस्तों। ये साइड दोस्तों बारिश देख सकते हो, एकदम जबरदस्त वाला है। अभी छोटे छोटे बच्चे जो है, अभी एकदम जो है कि आराम से दोस्तों पूरा जो है कि मौसम खुल गया है, लेकिन ये साइड देखो बारिश जबरदस्त वाला हो रखा है, अगर आएगा दोस्तों तो खत्म है। अब सब बच्चे जो है कि सुबह बारिश नहीं था तो इसके अंदर बंद कर दिया था, तो अभी जो है कि इसके अंदर सब चले जाएंगे भाई, अभी भीग गए हैं ना, और उसके अंदर ऑलरेडी चारा करके रखा है। चलो धीमे धीमे, चलो ब्यूटी भाग। फाइनली जो है कि दोस्तों अपनी पुराने वाली जो चैनल है उसका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, और वो फिर से जो है कि ठीक हो गई है। अभी पहले जो है कि 2-4 दिन पहले जो है कि इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ गया था, यूट्यूब ने बोला था कि भाई 14 दिन के अंदर जो है कि हम आपकी चैनल को जो है कि फिर से जो है कि रिव्यू करेंगे। मैंने एक अपील वीडियो भेज दिया था, तो बोले 14 दिन के अंदर जो है कि हम अपनी चैनल रिव्यू करके आपको मेल कर देंगे, तो उनका मेल आ गया है। फाइनली अपनी चैनल जो है कि ठीक हो गई है। नए वाली चैनल में हमने ब्लॉग अपलोड किया, तो उसमें एक दो कमेंट ये आ रही थी कि भाई चैनल बंद वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ये भाई जो है कि सब्सक्राइबर के लिए ऐसा कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, वो चैनल का मैं सब्सक्राइबर बढ़ा के करूंगा क्या, ऑलरेडी इस चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर है और आप सबका सपोर्ट भी इतना मिल रहा है, तो वो चैनल अगर सुरेश भाई देखो उस पर गुजराती व्लॉग बनाता नहीं है, तो वो चैनल ऑलरेडी ऐसी भी पड़ी ही थी, तो मैं उसका सब्सक्राइबर बढ़ा के करूंगा क्या। इस चैनल पे प्रॉब्लम आ गया था, इसकी वजह से दोस्तों मैंने वो चैनल पे व्लॉग डालना स्टार्ट कर दिया था। मैंने बोला अभी आगे ये चैनल चालू होती है या नहीं वो तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने बोला चलो वो चैनल पे व्लॉग डाल देते, और आपने सपोर्ट भी बहुत उस चैनल पर किया, पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया।
अभी मैं आपको बता दूं इसमें डेली व्लॉग आएंगे, वो चैनल ऐसे ही पड़े रहेंगे दोस्तों। सुरेश भाई को अगर मन हुआ तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, भाई उसकी मर्जी। दो दो चैनल चलाने के लिए भाई मेरे पास खुद टाइम नहीं, काम करके व्लॉग शूट करना होता है और एक ही होता है भाई, वो भी मुश्किल से हो रहा है। दो चैनल चलाने का भी मेरी कोई इच्छा है नहीं, ये तो ये चैनल में प्रॉब्लम आ गया था, इसकी वजह से मैंने वो चैनल पे ब्लॉग डालना स्टार्ट किया था और आपने सपोर्ट भी किया, लेकिन कॉमेडी ये कर रहे थे कि भाई नहीं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी इसमें आएंगे तो वो ऐसे ही पड़ी रहेंगी, तो ऐसा है चैनल जो है वो चालू हो गई है। और थैंक यू सो मच, आप सबका मैं आभारी हूँ कि आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो आप सबका दिल से शुक्रिया भाई। आप मेरे साथ हो तो मुझे भाई डरने की कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही ब्लॉग में बोला था कि भाई ऐसे 10 चैनल भी चली जाए और 11वीं में खोल दो फिर भी आप सपोर्ट करोगे, ये मुझे पता चल गया यार आप सपोर्ट करोगे यार। तो दिल से फिर से एक बार थैंक यू।